गति 80 शब्द प्रति मिनट, डिक्टेशन स्टार्ट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री को देश की आर्थिक स्थिति और निर्धनता के संबंध में जितनी जानकारी प्राप्त होती है उतनी किसी अन्य मंत्री को संभव नहीं होती। बजट बनाते समय वैसे तो बजट में आय व्यय का ब्यौरा होता ही है, लेकिन मूल रूप से देश की आर्थिक नीतियों में किस प्रकार का परिवर्तन हो तथा किस मार्ग पर वह देश को चलाना चाहते हैं, सरकार का लक्ष्य क्या है, इन सब नीतियों का बजट में विवरण होता है। विराम। हमारे वित्त मंत्री चाहे जिस पद पर भी रहे हों, चाहे वे मुख्यमंत्री रहे हों या केंद्रीय सरकार में रहे हों, उन्होंने शानदार काम किया। जिस समय उन्होंने बजट प्रस्तुत किया उस समय देश को और विशेष रूप से गरीबों को उनसे बहुत सी आशाएं थी। देश में लगभग 6 लाख गांव हैं, उनमें जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उसके संबंध में देश की जनता को उनसे बड़ी आशाएं थी और जनता देखना चाहती थी कि इस अवसर पर सरकारी नीतियों के द्वारा देश को वे क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। विराम। इस दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण बातें इस समय देश के सामने थी। देश का आर्थिक विकास तेजी से हो, अधिक लोगों को काम मिल सके और मूल्यों में स्थिरता आए। जहां तक इन 3 उद्देश्यों का संबंध है, हमने देखा कि उस ओर कुछ प्रयत्न हुए हैं, विशेष रूप से गरीबी हटाओ के संबंध में इस देश में जो चर्चा चल रही है, इस बजट में कुछ सीमा तक उसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि जितने भी प्रत्यक्ष कर लगे हैं वे ज्यादातर धनी लोगों पर और विशेष रूप से शहर के लोगों पर लगाए गए हैं। इस तरह से जो एक प्रकार की आर्थिक असमानता हमारे देश में चल रही है, उसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य किया गया है। विराम। लगभग 5 दशक पूर्व जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय देश में जितने सरकारी कर्मचारी थे वे ऐसा समझ बैठे थे कि अब तक देश में जिस तरह से अंग्रेजों का प्रशासन चल रहा था उस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कांग्रेस के जो नए लोग आए थे, जो मंत्री बने थे, वे लोग धन के मामले में त्यागी आदमी हैं। धन से उनको मोह नहीं है। विराम। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि हमारे मंत्री लोग भी उसी तरह से शानदार जीवन पसंद करने लग गए जिस तरह से अंग्रेज करते थे। विराम। उपाध्यक्ष महोदय, तब उन लोगों को कुछ आशा हुई
कि हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे विराम, लेकिन अभी हाल में जो चुनाव हुआ उससे देश के धनिकों के मन में बड़ा संदेह पैदा हुआ कि इस चुनाव के बाद उनकी स्थिति वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है। विराम, गरीबों और अमीरों के बीच में अब तक जो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था उसको अब तेजी से दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। विराम, श्रीमान, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ जो आपने सदन में चालू वर्ष के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ। विराम, पैरा, श्रीमान, मैं सबसे पहले अपने दल के नेता प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में देश में कांग्रेस दल को स्पष्ट बहुमत मिला और इसके फलस्वरूप यहाँ पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो कि देश में वास्तव में समाजवाद लाना चाहती है। मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें स्मरण है और वह तन मन धन से उसका पालन करना चाहते हैं। वह आदेश था देश में सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करने का, देश से गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी को हटाने का और देश के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का। विराम, साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पैदा की जाए जिसके अंतर्गत जनता शोषण से मुक्त हो सके। विराम, श्रीमान, यह ठीक है कि देश में कृषि के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई है। विराम, परंतु इसके साथ ही साथ यह भी दृष्टि में रखना चाहिए कि लागत में भी पूरी वृद्धि हुई है। इसके लिए आवश्यक है कि सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं और अधिक उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए। आज कृषकों को कृषि के यंत्र मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है, जैसे छोटे छोटे ट्रैक्टरों का देश में बड़ा अभाव है। उनके बनाने के लिए शीघ्र नए कारखाने खोले जाएं जिससे कृषकों को
जल्द से जल्द ट्रैक्टर मिल सके, विराम देश तभी प्रगति करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है, विराम। तो कैसी लगी आपको डिक्टेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।